हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर एमए अरब इस्लामिक कल्चर का। सो यहाँ पे हम पार्ट भी डिस्कस करेंगे। चैनल पे मैंने ऑलरेडी 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं जो ऑब्जेक्टिव पार्ट हैं, और यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो सब्जेक्टिव पेपर होता है अरब इस्लामिक कल्चर में एमए का, वो 50 मार्क्स का होता है, और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भी 50 मार्क्स का होता है। सो यहाँ पर जो है देख लेते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच वन कैरीज 10 मार्क्स। सो 50 मार्क्स का टोटल होता है पेपर, सब्जेक्टिव वाला और ऑब्जेक्टिव वाला अलग से 50, यानी कि टोटल जो होता है 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का, यानी कि आपको 5 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। सो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, सो आपको जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से आते हैं तो आप वो बहुत अच्छे से लिख के आ सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ओरिएंटलिज्म, डिफाइन इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडवर्ड सेड। सो यहाँ पे क्या है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये कंपलसरी है, ये हर साल एग्ज़ाम में आया है, ऑप्शन में रहता है, बट आपको अगर पता है कि ये एग्ज़ाम में आ रहा है हर साल, और अगर आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है एग्ज़ाम में। देन जैसे एक ये क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द इशू ऑफ ट्रिपल तलाक इन इंडिया। सो कुछ इश्यूज जो ऐसे होते हैं करंट अफेयर्स में हो, और थोड़ा अरब से रिलेटेड हो या इस्लाम से रिलेटेड हो, तो वो क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो हमारे पास था, ये 2018 का सब्जेक्टिव पेपर है। मे भी यस, ये 2018 का हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर है। तो उस टाइम पे ट्रिपल तलाक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इस वजह से यहाँ पे ये भी पूछा गया है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द इशू ऑफ ट्रिपल तलाक इन इंडिया। आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कर देना कि हमें ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे अगर किसी में मार्क्स कम हो रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जितने पूछे जाते हैं सिर्फ उतना ही करना होता है। सो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है। जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से आते हैं आपको, जो आप बेस्ट करके आ सकते हैं, बेस्ट लिख के आ सकते हैं जिसमें, तो आपको सिर्फ वही अटेम्प्ट करना है। अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अटेम्प्ट करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपको फर्स्ट आता है और आपने फ़ौरन इसका आंसर लिख दिया। क्या पता है इससे भी ज़्यादा अच्छे से आपको और कोई क्वेश्चन आता हो। तो आप अच्छे से पहले क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा, उसके बाद अटेम्प्ट करिएगा। तो यहाँ पर जो है थर्ड क्वेश्चन, जैसे हम देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन भी क्या है, हर बार पूछ लेते हैं, होता है ऑप्शन में, एक ऑप्शन ज़रूर होता है ये कल्चर एंड सिविलाइजेशन का। सो अंडरस्टैंड बाय कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो इसमें आपको बेसिकली स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन देना होगा वो आपको पहले कल्चर का डेफिनेशन देना होगा, कल्चर क्या होता है बेसिकली, फिर सिविलाइजेशन को आपको वहाँ पे देना होगा, फिर कल्चर एंड सिविलाइजेशन कैसे इंटरलिंक्ड है तो ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। तो इस तरीके से जो है, उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी इसमें कि हाईलाइट द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन देम, उसके बाद फिर इसको इंटरलिंक करना होगा आपको इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा सा, देन हाईलाइट द, यहाँ पे जब सेकंड क्वेश्चन बना दिया उसके बाद आपको डिफरेंसेस भी इसमें बताने होंगे कि कल्चर और सिविलाइजेशन एक दूसरे से कैसे अलग हैं, और फिर ये बताना होगा कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है। सो ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, तो ये कंपलसरी क्वेश्चन से ये आ जाते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, डिफाइन, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है टोटल, तो आपको सिर्फ 5 करने हैं, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं इसमें, तो आप बहुत अच्छे से लिख करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो पेपर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, एंट्रेंस आने वाला है, सो अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, टॉपिक्स अच्छे से कवर करके जाइएगा, क्वेश्चन यहीं से रिपीट हो जाते हैं। अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन देखें, डिफाइन अरब कल्चर, इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम इस्लामिक कल्चर, गिव एग्जांपल्स। तो यहाँ पे पूछने पहले आपको अरब कल्चर जो है, अरब कल्चर बेसिकली क्या है वो डिफाइन करना है। तो यहाँ पे अरब का कल्चर पूछा है, इस्लाम का कल्चर नहीं पूछा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अरब कल्चर डिफाइन करना है पहले, उसके बाद फिर यहाँ पूछ रहे हैं इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम इस्लामिक कल्चर, तो यहाँ पर आपको येस या नो में आंसर करना है। तो आंसर अगर आपका नो होगा तो आपको डायरेक्ट नो से आंसर स्टार्ट नहीं करते हैं, तो नो मत लिखिएगा डायरेक्ट वहाँ पे, आपको पहले एग्जांपल दीजिएगा, फिर एक्सप्लेन करिएगा अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामिक कल्चर और अरब कल्चर अलग है, ठीक है। तो उसको अच्छे से पहले एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इट इज़ सेड दैट इस्लाम हैज़ इम्पेक्टेड द अरब सोसाइटी, डिस्कस इन डिटेल। सो इस्लाम का जो है अरब सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट रहा, तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी लिख सकते हैं, जो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी हिस्ट्री में, इस्लामिक हिस्ट्री में, तो ये सारी चीज़ें आप एडिट करके लिख सकते हैं, जो जाहिलिया पीरियड रहा था वहाँ से एग्जांपल्स लेकर के लिख सकते हैं, और फिर इस्लाम के आने के बाद, इस्लाम जब वहाँ पे स्प्रेड हुआ तो उसके बाद कैसे हालात हुए, कैसे कल्चर चेंज हुआ, कैसे वहाँ पर राइट्स मिले, तो ये सारी चीज़ें कुछ एग्जाम्पल्स दे के आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, राइट एन एसे ऑन सूफिज्म एंड इट्स डिफरेंट ऑर्डर्स।
सो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सूफिज्म से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर होता है। सो यहाँ पे सूफिज्म का क्वेश्चन पूछा है, तो पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है सूफिज्म होता क्या है बेसिकली। उसके बाद यहाँ पूछे इट्स डिफरेंट ऑर्डर्स, यानी कि इसमें काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो हैं, जैसे नक्शबंदिया हो गया, कादरिया हो गया, चिश्तिया ऑर्डर हो गया, तो इस तरीके से जो अलग अलग ऑर्डर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट फाउंडर्स, तो वो ऑर्डर्स आपको सारे 10 मार्क्स के हिसाब से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन सोसाइटी। अच्छा, ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ रहे हैं, बहुत बार पूछा है ये, समझ लीजिए 2017 से ये कॉन्टीन्यूसली पूछते हैं एग्जाम में। ऑप्शन में एक क्वेश्चन ये भी रहता है, सो रिपीट होकर के क्वेश्चन वही होते हैं, घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन दे देते हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इस्लाम का इंडियन सोसाइटी पे, या क्या पड़ा है हिस्टोरिकल, आपको जो एविडेंस है वो उठाने, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स उठाने, फिर प्रेजेंट में मेडिवल टाइम पे क्या रहा, प्रेजेंट में क्या रहा, तो 10 मार्क्स में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लिख कर आ जाइएगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। देन यहाँ पे डिस्कस द मेन एस्पेक्ट ऑफ अरब लिटरेचर और अरब सिनेमा। सो यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे और पूछ रहे हैं एंड नहीं पूछ रहे हैं, तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको या तो अरब सिनेमा के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, या फिर अरब लिटरेचर के बारे में, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। सो यहाँ पे इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में पूछ रहे हैं कि आप शॉर्ट नोट लिख सकते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर पे इंडिया का, यहाँ पे सिर्फ इंडिया का पूछा है, तो इंडिया में यानी कि जब दिल्ली सल्तनत आई उसके बाद जो आर्किटेक्चर में जो डेवलपमेंट हुई, मुगल टाइम पे जो डेवलपमेंट हुई आर्किटेक्चर में, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। देन यहाँ पे 10th क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। सो इसमें से किसी पर भी, मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे एक ही लिखना है आपको, कितनी बार दो भी दे देते हैं कि आपको दो पे नोट लिखना है, पर यहाँ पे एक ही पूछा है क्वेश्चन में, मुस्लिम ब्रदरहुड, उम्मे कुलतुम, कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ अरब स्प्रिंग, प्री इस्लामिक अरब कल्चर। सो इनमें से जो भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हों तो उस पर आप लोग बहुत अच्छे से लिख कर सकते हैं नोट, राइट अ शॉर्ट नोट और या फिर नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो किसी एक पर ही लिखना है, या फिर मुस्लिम ब्रदरहुड, उम्मे कुलतुम, कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्या, अरब स्प्रिंग जो है ये 2011 में हुआ था, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। सो पर इसका यहाँ पे, और अच्छा इसमें अरब स्प्रिंग का भी अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पड़ेगा, तो यहाँ पे अरब स्प्रिंग का भी क्या पूछा है, कल्चरल इम्पैक्ट पूछा है, कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं पूछा है यहाँ पे, या सोसाइटल इम्पैक्ट नहीं पूछा, यहाँ पे कल्चरल इम्पैक्ट पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ करके अच्छे से अटैम्प्ट करिएगा। सो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, सब्जेक्टिव पार्ट मिलता नहीं है आसानी से, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़े थे 2018 के, और एक और क्वेश्चन पेपर जो मैं अपलोड कर दूंगी सब्जेक्टिव पार्ट का ही, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ही, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।